मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें लाइन की लेंथ 75 mm दी हुई है। 75 mm लॉन्ग लाइन, इसका टॉप व्यू की लेंथ 65 mm डेटा में दी हुई है। 75 mm लेंथ की लाइन जो है उसका टॉप व्यू की लेंथ 65 mm है और उसके फ्रंट व्यू की लेंथ 50 mm है। लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू 50 mm। इंक्लिनेशन एंगल हमें फाइंड करना है, थीटा एंगल। इस प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ 75 mm है। अब पॉइंट ए की पोजीशन दी हुई है डेटा में, इट इज़ इन एच पी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। पॉइंट ए की पोजीशन, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स वाई लाइन। अब हम ए डैश पॉइंट एक्स वाई लाइन पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ डेटा में पॉइंट ए की पोजीशन दी है, इट इज़ इन एच पी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि एक्स वाई लाइन के नीचे की साइड हम 12 mm डिस्टेंस पे पॉइंट ए मार्क कर सकते हैं, ए डैश एंड ए पॉइंट। अब हम जो ये ओरिजेंटल लाइन है उसकी लेंथ 65 mm ले सकते हैं। डेटा में जो लेंथ 65 mm दी हुई है फ्रंट व्यू की लेंथ, टॉप व्यू की लेंथ 65 mm टॉप व्यू लेंथ। इस पॉइंट को हम बी वन पॉइंट बोल सकते हैं। बी वन में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम 75 ट्रू लेंथ जितनी रेडियस लेके ए डैश को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इस यहाँ ए डैश को सेंटर रख के हमने 75 mm रेडियस की आर्क यहाँ ली है। ये पॉइंट को हम बी वन डैश पॉइंट बोल सकते हैं। इसकी लेंथ 75 है। ये जो एंगल हमें मिलेगा उसको हम एंगल थीटा बोल सकते हैं। फर्स्ट आंसर हमें यहाँ मिलेगा, एंगल थीटा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ ओरिजेंटल प्लेन। ये जो है वो 31 डिग्री यहाँ हमें मिला है। अब हम ये जो लाइन बी वन डैश में से ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ आर्क लेने के लिए हम ए डैश पॉइंट को सेंटर रखेंगे और 50 mm जो रेडियस है फ्रंट व्यू की लेंथ 50 mm दी हुई है, 50 ए डैश को सेंटर रख के 50 रेडियस की यहाँ आर्क ले सकते हैं। इस पॉइंट को हम बी डैश पॉइंट बोल सकते हैं। अब बी डैश में से वर्टिकल लाइन यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी लेंथ हम कोई भी लेंथ ले सकते हैं, लेंथ फिक्स नहीं है। अब ए डैश बी वन, ए बी वन रेडियस की हम यह आर्क लेंगे, ए पॉइंट को सेंटर रख के ए बी वन रेडियस की आर्क। यहाँ हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम पॉइंट बी बोल सकते हैं। ये ए बी लाइन है उसको प्लान यानी कि टॉप व्यू हम बोल सकते हैं। 65 mm की जो लाइन है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए ए पॉइंट को सेंटर रख के अब हम 75 mm यानी कि ट्रू लेंथ जितनी रेडियस लेके यहाँ एक आर्क इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं 75 mm रेडियस की। ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हमें 75 mm की लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बी टू पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ हम। अब हम जो ये एंगल है उसको एंगल फाई यानी कि इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल प्लेन बोल सकते हैं, लाइन का इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल प्लेन। ये आंसर हमें डेटा में 549 डिग्री यहाँ मिल सकता है। अब ए डैश को सेंटर रख के ए डैश बी डैश रेडियस की हम आर्क ले सकते हैं। ए डैश को सेंटर रख के ए डैश बी डैश रेडियस की यहाँ इस तरह से आर्क लेंगे, उस पॉइंट को हम बी टू डैश पॉइंट बोल सकते हैं। बी टू डैश पॉइंट, बी टू डैश में से वर्टिकल लाइन, ये जो पॉइंट है वो बी टू डैश पॉइंट है, उसमें से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।